नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, मेरे इस न्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस लाल बटन तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकॉन घंटी को भी दबाइए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप सभी को पहले। वैसे इस खत में कोई बात नहीं, फिर भी ये प्यार का नशा पौधों को जला भी देगा। माइक पर आ जाओ, तालियों से भाई इस्तकबाल करें, समीर गुरु का तालियों से इस्तकबाल। इबादतों की तरह मैं ये गायन करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। जैसा कि आज का जो ये प्रोग्राम तेलीपाड़ा सोशल ग्रुप की तरफ से जो किया गया है, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और जो भी सामयिक इतनी देर तक बैठे हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। कहीं ना कहीं उन्हें उर्दू से लगाव है, वाबस्ता है, ताल्लुक है। और जो भी डाइस पर बैठे हैं मेहमान खसूसी और शोरा जो बैठे हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ जो उन्होंने अपने कलाम से सामाइन को नवाजा और सामाइन ने बड़ा लुत्फ उठाया उनसे। लिहाजा मैं एक शेर सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ भाई के हवाले कर दूँ कि छांव से आती है तो पट्टा टाल लेती है, छांव से आती है दुपट्टा डाल लेती है, खुदा का शुक्र है भाई को पहचान लेती है। छन से आती है दुपट्टा डाल लेती है, खुदा का शुक्र है भाई को पहचान लेती है। और एक शेर, सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ वाले ने। सामान बांध लिया है मैंने, अब बताओ वाले कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते हैं। अब एक छोटी सी गजल, उदास रात है कोई तो खबर दे जाओ, उदास रात है कोई तो खाद दे जाओ, मेरे गिलास में थोड़ी शराब दे जाओ। उदास रात है कोई तो खाद दे जाओ, मेरे गिलास में थोड़ी शराब दे जाओ। बहुत से और भी घर है खुदा की बस्ती में, फकीर कैसे खड़ा है जवाब दे जाओ। बहुत से और भी घर हैं खुदा की बस्ती में, फकीर कब से खड़ा है जवाब दे जाओ। मैं जर्द पत्तों पे शबनम सजा के लाया हूँ, मैं जर्द पत्तों पे शबनम सजा के लाया हूँ, किसी ने कहा था मुझसे हिसाब दे जाओ। किसी ने कहा था मुझसे हिसाब दे जाओ। और ये दूसरी गजल जो है थोड़ी खतरनाक है, ऐसे भी आप लोग खतरे के खिलाड़ी मालूम भी है। नसीहत रोज बिकती है, अकीदत रोज बिकती है, नसीहत रोज बिकती है, अकीदत रोज बिकती है, हमारे शहर में लोगों मोहब्बत रोज बिकती है। नसीहत रोज बिकती है, अकीदत रोज बिकती है, हमारे शहर में लोगों मोहब्बत रोज बिकती है। अब मेरे शहर के दर का भी मोहताज है मजहब। शेर सुनिए, अगर शेर में अच्छा शेर का अगर दाद ना मिले तो मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मैंने खाना नहीं खाया, कपड़े नहीं पहने, नहाया नहीं, अजीब सा मतलब
मालूम चलता है। तो अच्छा शेर समझिए, अमीर शहर का डर का मोहताज है, अमीर शहर के डर का अभी मोहताज है मजहब, अभी मौलाओं के पतों में शहीद रोज बिकती है। अमीर शहर के डर का अभी मोहताज है मजहब, अभी मौलाओं के पतों में शरीयत रोज बिकती है। हमारे खून को भी वो किसी दिन बेच डालेंगे, हमारे खून को भी वो किसी दिन बेच डालेंगे। खरीदारों की झूमत में अदालत रोज बिकती है, हमारे खून को भी वो किसी दिन बेच डालेंगे। खरीदारों के झूमत में अदालत रोज बिकती है, न जाने लुत्फ क्या मिलता है इनको रोज बिकने में, न जाने लुत्फ क्या मिलता है इनको रोज बिकने में। तवायफ की तरह लोगों कयादत रोज बिकती है, तवायफ की तरह लोगों कयादत रोज बिकती है। कभी मस्जिद के मंबर पर कभी हुजरे में छुप छुप के, कभी मस्जिद के मंबर पर कभी हुजरे में छुप छुप के, मेरे वाइफ के लहजे में कयादत रोज बिकती है। कभी मस्जिद के मंबर पर कभी हुजरे में छुप छुप के, मेरे वाइफ के लहजे में कयादत रोज बिकती है। बड़ी लाचार है मौसम जगने इन गरीबों की, बड़ी लाचार है मौसम जगने इन गरीबों की, तो मजबूरियों की मंडी में इबादत रोज होती है। हम बोले थे मुख्तसर लाना, मटेरियल ज्यादा है, ज्यादा नहीं है भाई। चलिए सर से पाँच तक, सर से पाँच तक वो गुलाबों का शजर लगता है, सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजूदों के भी छुपे हुए डर लगता है। सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजूदों के भी छुपे हुए डर लगता है। चांद शेर में, चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, बेवजू आंखें हैं पढ़ते हुए डर लगता है। चांद महराब पे सोई हुई एक आयत है, बेवजू आंखें हैं पढ़ते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, मुझमें रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तनहा मिलते हुए डर लगता है। मुझमें रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तनहा मिलते हुए डर लगता है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पैर फैलाओ तो दीवार में सर लगता है। एक और आखिरी गजल, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं,
माना खुदा से बातें देने से बात कुछ नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, माना खुदा से बातें देने से बात कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी मेरी। मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। अब शेर सुनिए, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए बाप, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात पर, भेजा वही कागज उसे, उसने लिखा कुछ भी नहीं। भेजा वही कागज उसे, उसने लिखा कुछ भी नहीं। एक शाम थी दहलीज पे बैठी रही वो देर तक। शेर सुनिए, एक शाम थी दहलीज पे बैठी रही वो देर तक, आंखों से की बातें कहो मुंह से कहा कुछ भी नहीं। यहीं से मैं अपना अख्ताम करता हूँ। ना कभी कोई आपस में दंगा रहे, ना कभी कोई आपस में दंगा रहे, प्रेम की दिल में बहती ये गंगा रहे। ना कभी कोई आपस में दंगा रहे, प्रेम की दिल में बहती ये गंगा रहे। हम रहे ना रहे तुम रहो ना रहो, हम रहे ना रहे तुम रहो ना रहो, पर ये लहराता हर दम तिरंगा। सगा भाई, सगा भतीजा, सगा बाप, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भाई, सगा भतीजा, सगा बाप, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। और पता लगाओ कि मुझे किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कह रहा है लोग। पता लगाओ कि मुझे किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कंधा लगा रहे हैं लोग। और सियासी जलसे में तो सांसे तक रोक रखी थी, सियासी जलसे में सांसे तक रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। जलसे में सांसे तक रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। और दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा जिसकी जिस चीज की जरूरत है वो इन तो दो रोटी कम का है मगर बच्चों को पढ़ा है। तो इसके हवाले से सारे समाज के यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर, यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए। यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चल गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर रोज के खाने से हम एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती। समाज बनवाए के यकीन करते जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते,
यकीन कर दे जो अपने रहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। आवाइए हजरात, भारत की आजादी में सभी का बराबर हिस्सा रहा, हिंदू और मुसलमान सभी का। समाज है कि हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना, हम तो ईमान वाले हैं। हमें दुनिया से क्या लेना, हम तो ईमान वाले हैं, निराली शान रखते हैं, निराली शान वाले। हमें दुनिया से क्या लेना, हम तो ईमान वाले हैं, निराली शान रखते हैं, निराली शान वाले हैं। पर हमारे बुजुर्गों ने दी है अपनी कुर्बानी यहाँ, हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले। बुजुर्गों ने दी है अपनी कुर्बानी यहाँ, हमें गद्दार मत कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं। और ये भी से अगले से समाज फरमाए कि जमीन अच्छी है ये आसमान अच्छा है, जमीन अच्छी है ये आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। जमीन अच्छी है ये आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। और सुबह से अपने छोटे घर में नींद आता है, सुबह से अपने छोटे से घर में नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। अपने छोटे से घर में नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। और ये भी से समाज फरमाए कि तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादियां, तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादियां, खुदा का शुक्र है कि अपना हिंदुस्तान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादियां, खुदा का शुक्र है कि अपना हिंदुस्तान अच्छा है। और वतन के हवाले से समाज फरमाए के और क्या चाहिए इस बदन के लिए, और क्या चाहिए इस बदन के लिए, काफी है ये तिरंगा कफन के लिए। और क्या चाहिए इस बदन के लिए, काफी है ये तिरंगा कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए। और 5 साल किसके हाथों में जाए, हमारा रहबर कैसा हो। समाज फरमाए कि भाई तू अपने पीठ का खंजर तलाश कर, रहनुमा किसको चुने, भाई तू अपने पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को अब तू छोड़ समुंदर तलाश कर। भाई 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 तू अपने पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को अब तू छोड़ समुंदर तलाश कर। और इस दौर के हाकिम से कुछ नहीं होगा, हजरत उमर के जैसा तू रहबर तलाश कर। अपने पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को अब तू छोड़ समुंदर तलाश कर, इस दौर के हाकिम से अब कुछ नहीं होगा, हजरत उमर के जैसा तू रहबर तलाश कर, रहबर तलाश कर। और मदरसों में कहा जाता है कि जंगी तालीम दी जाती है, ये कहा जाता है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मदरसों में जंग की तालीम, मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है। तो एक यूपी की सरकार वो कह रही है, समाज फरमाए कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, आतंकवादी सोचता है, तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, तो मिट जाती तेरी दुनिया, हमारा नाम हो जाता। तू जैसा, अगर चार चौथे मित्र बैठ कि तू जैसा सोचता है
उस तरह इस्लाम हो जाता तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। और अगर हम मदरसों में जंगी तालीम दे देते वतन में 100 बरस पहले ही कत्लेआम हो ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तो तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तो तलवार गिरा दो। और 5 साल घुट घुट के जीने से है बेहतर, सरकार है ना मर्द तो सरकार। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तो तलवार गिरा दो। और 5 साल घुट घुट के जीने से है बेहतर, सरकार है न मर्द तो सरकार गिरा दो, सरकार है न मर्द तो सरकार गिरा दो। और मुसलमान क्या रखते हैं क्या नहीं रखते, समाज फरमाए के जो हशद व निफाक, समाज फरमाए के जो हशद व निफाक कभी कम नहीं रखते मुसलमान, जो हसद व निफाक कभी गम नहीं रखते, हौसला हम शेरों से कभी कम नहीं, जो हसद व निफाक कभी गम नहीं रखते, हौसला हम शेरों से कभी कम नहीं रखते, हौसला हम शेरों से कभी कम नहीं रखते। और मुझको मिली है दोस्तों तालीम दीन की, मुझको मिली है दोस्तों तालीम दीन की, सीने में है कुरान कभी बम नहीं रखते। मुझको मिली है दोस्तों तालीम दीन की, सीने में है कुरान कभी बम नहीं रखते। और ये भी चाहने से समाज हमारे कि ये कौन कह रहा है, सारे लाइन एक तरफ और ये चार मिसरे एक तरफ, समाज फरमाए कि ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है तलवार दे के देख, ये कौन कह रहा है कि तलवार दे के देख, हुकूमत से कह रहे हैं हम, ये कौन कह रहा है कि तलवार दे के देख, दुनिया को जीत लाएंगे दस्तार दे के देख। ये कौन कह रहा है पीछे वाले की नहीं जाए चाहता कि ये कौन कह रहा है कि तलवार दे के देख, दुनिया को जीत लाएंगे, दुनिया को जीत लाएंगे। समाज फरमाए कि ये कौन कह रहा है कि तलवार दे के देख, दुनिया को जीत लाएंगे दस्तार दे के देख। और कैसे चलाई जाती है ये बता देंगे मोदी, हमको भी 2 रोज का सरकार दे के देख। कैसे 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 चलाई जाती है ये बता देंगे तुझको, कैसे चलाई जाती है ये बता देंगे तुझको, हमको भी 2 रोज का सरकार दे के दे, हमको भी 2 रोज का सरकार दे के दे। और वो कहते हैं क्या कहते हैं, एडवानी की बात को दिल का चैन कहेंगे, एडवानी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को भारत का ही मैं, एडवानी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को ही भारत का मैन कहेंगे। और मोदी एडवानी की बात को दिल का चैन कहेंगे तो गड़िया को ही भारत का मैन कहेंगे। और मोदी जो दाढ़ी रखे तो कोई कुछ न कहेगा, हम जो रखे दाढ़ी को लादेन कहेंगे। मोदी मोदी जो दाढ़ी रखे तो कोई कुछ न कहेगा, हम जो रख ले दाढ़ी तो लादेन कहेंगे, हम जो रख ले दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। और हजरात इजाजत हो और हकीकत है किसी के साथ में धोखा कर नहीं सकता, हकीकत है किसी के साथ में धोखा कर नहीं सकता, कभी कभी ईमान को वो अपने खोटा कर नहीं सकता, हकीकत है किसी के साथ में धोखा कर नहीं सकता,
हकीकत है किसी के साथ मैं धोखा कर नहीं सकता, कभी ईमान को अपने छोटा कर नहीं सकता और किसी मासूम की जान नहीं ले सकता है लोगों, किसी मासूम की जान नहीं ले सकता है लोगों, जो है सच्चा मुसलमान वो धमाका कर ले। सच्चा मुसलमान वो धमाका, मुसलमान आतंकवादी होते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, वो मुनाफिक होते हैं, इस्लाम में उनका कोई जगह नहीं है। साजिश होती है समाज फरमाए और ये विचार मुझे समाज फरमाए, हमारे हाथ में देखो कोई शमशीर थोड़ी है, हमारे हाथ में देखो कोई शमशीर थोड़ी है, बयां करते हिट करते दिल कोई तकरीर थोड़ी है, हमारे हमारे हाथ में देखो मुसलमान हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में सभी के हाथ है, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, समाज फरमाए कि हमारे हाथ में देखो कोई शमशीर थोड़ी है, बयां करते हैं दर्द दिल कोई तकरीर थोड़ी है, और इसे हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर संवारा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, इसे हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर संवारा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, और वो जिसे दिल में, वो जिसके दिल में इशार हो नहीं सकता, वो जिसके दिल में इशार हो नहीं सकता, ये बात सच है वफादार हो नहीं सकता, वो जिसके दिल में इशार हो नहीं सकता, ये बात सच है वफादार हो नहीं सकता, और वतन के वास्ते हम जान निसार करते हैं, हमारे कौम में कोई गद्दार नहीं है, वतन के वास्ते, वतन के वास्ते हम जान निसार करते हैं हमारे कौम में कोई गद्दार हो नहीं सकता, हमारे कौम में कोई गद्दार हो नहीं सकता, और भला जो सोचने बैठे तो भला, अच्छा भला जो सोचने बैठे तो बुरा ही आ जाता, भला जो सोचने बैठे तो बुरा ही आ जाता है, हर एक वो गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही आ जाता है, भला जो सोचने बैठे तो बुरा ही याद आता है, हर एक वो गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है, और असल में जवानी की इबादत ही इबादत है, बुढ़ापे में तो वैसे बुरा ही आ जाता है, जवानी की इबादत ही इबादत है, बुढ़ापे में तो वैसे खुदा ही आ जाता है। सदर महोदय की इजाजत में तो समाज फरमाए कि ज्यादा ज्यादा चाबी मत घुमा खिलौना टूट जाएगा, ज्यादा चाबी मत घुमा खिलौना टूट जाएगा, मुसलसल दिल लगी से रिश्ता टूट जाएगा। चौथे मित्र पे समा बोलेंगे आप लोग के ज्यादा असलम भाई आप इस बीच में आ जाए के ज्यादा ज्यादा चाबी मत घुमा ज्यादा, ये चार मिश्र सुनकर आपका नींद पड़ जाएगा, ज्यादा चाबी मत घुमा खिलौना टूट जाएगा, मुसलसल दिल लगी से रिश्ता टूट जाएगा, मुसलसल दिल लगी से रिश्ता टूट जाएगा, और अमीरो तुम जहेज की नुमाइश को रोक दो वरना किसी गरीब की बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, अमीरों तुम जहेज की नुमाइश को रोक दो वरना किसी गरीब की बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। और ये विचार मिश्र समाज फरमाए कि है अजब न लायकी बस एक रोटी के लिए, है अजब न लायकी बस एक रोटी के लिए, फिर बुढ़ापे को सुलगती धूप में डाल, है अजब न लायकी बस एक रोटी के लिए, फिर बुढ़ापे को सुलगती धूप में डाला गया, और साल से पहले अकेले बाप ने बेटे सभी, पांच बेटों से अकेला बाप ना पाला गया, है अजब न लायकी
बस एक रोटी के लिए, फिर बुढ़ापे को सुलगती धूप में डाला गया और सांस से पाले बाप ने अकेले बेटे सभी, पांच बेटों से अकेला बाप ना पाला गया, पांच बेटों से अकेला बाप ना पाला गया। और माँ से तो सभी मोहब्बत करते होंगे, इंशाल्लाह करते होंगे, तो समाज फरमाएंगे कि नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही, नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही, ऊपर का दूध पे के भी ताकत वही रही, नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही, ऊपर का दूध पी के भी ताकत वही रही। और माँ ने जो भेजी थी गांव से रोटी, माँ ने जो भेजी थी गांव से रोटी, बासी भी हो गई पर लज्जत वही रही, बासी भी हो गई, बासी भी हो गई, बासी भी हो गई पर लज्जत लज्जत वही रही। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे सभी हाजिर हैं, आसिकी किसके ऊपर दे रहा, समाज समाज सुन लो ए आसिको, मौत से मत डरो, सुन लो ए आसिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, सुन लो ए आसिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुक मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुक मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पे नहीं अब वतन पे गोली खाए पर भी पीछे में लड़कियों पे नहीं अब वो वतन पे मन। और ये आखिरी शेर करके मैं रुक्षा तो जाऊंगा, समाज करूंगा बुलवा न जी, ये आखिरी शेर समाज करूंगा के न कौमी न सियासत का झंडा देना, न कौमी न सियासत का झंडा देना, सभी अपने छतों पे तिरंगा देना, न कौमी न सियासत का झंडा देना, सभी अपने छतों पे तिरंगा देना। और जब मैं मर जाऊं तो एक काम करना मेरे दोस्त, गुस्ल के बाद मुझे कफन तिरंगा देना। क्या और क्या कमाल के किसी को उठा कर बैठ गए, तमाम उम्र बसर कर दी खुराफात में, बुढ़ापा आया तो मस्जिद में जाकर बैठ गए। हजरत आज के इस मुशायरे का ये नौजवान फुलझड़ी था, अभी दो बम बाकी है, आइए तो सूरज है मगर तेरा उदय अच्छा नहीं लगता, उदय का मतलब होता है निकलना, तू सूरज है मगर तेरा उदय अच्छा नहीं लगता, तिरंगा जो तेरे हाथों में है अच्छा नहीं लगता, तू सूरज है मगर तेरा उदय अच्छा नहीं लगता, तिरंगा जो तेरे हाथों में है अच्छा नहीं लगता, तू मेरे देश की धरती को लहू से लाल करता है, तू 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 मेरे देश की धरती को लहू से लाल करता है, तेरे होठों पे भारत माँ की जय अच्छा नहीं लगता। वो मन की बात रेडियो पर करता है, वो मन की बात रेडियो पर बता रहा है, बहुत बिजी है, विदेश जाने की प्लानिंग बना रहा है, वो रेडियो की बात मन में बता रहा है, बहुत बिजी है, विदेश जाने की प्लानिंग बना रहा है, यूं हम चलकर ये गिरता हुआ तिरंगा संभालते हैं, चलो हम ही चलकर ये गिरता हुआ तिरंगा संभालते हैं, हमारा सेनापति को भी फोटो खिंचवाना है बिजी है। हजरत अब नहीं गुरु तो आखिरी से वो आखिरी एकदम वायु का मतलब इख्तिताम, अभी गुरु को बचा के रखे, उससे पहले मैं कैसर वजीर को बुलाऊंगा, कैसर वजीर साहब नौजवान नस्ल के शायर और चोरी करने में बड़ी मुहारत रखते हैं,
अभी इस बच्चे को देखकर मैं जो बोला था कि देखना कभी लफ्जों तक गद्दारी नहीं करना, शेर पढ़ना अदाकारी नहीं करना, वहां पे उन्होंने शेर पढ़ा। और अगर यूं कह लिया जाए कि आज के मुशायरे का वो डाकू है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आज का मुशायरा लूट लिया और जो डाकू होता है वही लूटता है, चोर लूटा लूटी नहीं करते हैं, डाकू लूटता है, वो मुशायरे का डाकू। आइए मैं कैसर बजी को दो चार मित्रों के साथ बुला रहा हूं कि फूल इस सोच में गुम है कि कहां महकेंगे। हजरत देखे देखे हजरत देखे एकदम बिल्कुल ताजा ताजा फूल इस सोच में गुम है कि कहां महकेंगे। अभी तितलियों के लबे इजहार पर पाबंदी है, फूल इस सोच में गुम है कि कहां महकेंगे। अभी तितलियों के लबे इजहार पर पाबंदी है, कत्ल करने की खुली छूट है अभी, कत्ल करने की खुली छूट है अभी। यहां प्यार मत करना, प्यार पे अभी पाबंदी है। हजारा और देखेंगे कौन जालिम है यहां, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। हमें अपने घर में खाना क्या पकाना क्या है, हमें अपने घर पर कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। हमें अपने घर में खाना पकाना क्या है, ये भी हमको नहीं सरकार को तय करना है। हजरत माइक पर कैसर बजी। हजरत पहले दो लोगों का कर्ज है वो उठा था, उसके बाद इंशाल्लाह पर पहुंचूंगा। पहले अली हुसैन साहब जिसने मुझे चोर करार दे दिया, उनके हवाले से वो शेर है मुलाजा फरमाए कि सलीका शर्त है हर एक अमर के लिए, सलीका शर्त है हर एक अमर के लिए, बुराई करने को भी होना चाहिए। अब बारी है साहब साहब जिन्होंने तो मेरी कमेटी लगा दी, तो उनके लिए शेर की बिकने वाले और है, जाके खरीद लो पहनी, बिकने वाले और है, जाके खरीद लो पहनी। हम लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। जनाब सदर नौजवान हजरात सबसे पहले तो मैं शुक्र गुजार हूं तेली पड़ा साशा शाह का, जिन्होंने हम सभी शोरम राम को रुझा किया, मुद्दा किया कि हम अपने कलाम आप तक पहुंचा सके। और गुजरात उस खूबसूरत जुबान की महफिल सजाई है जो तकरीबन इस मुल्क में यकीन हो चली है। वाकई ये लोग काबिल मुबारकबाद है कि इस हालत में भी इन्होंने शमा रोशन करने की जसारत की है। एक बार टेली वाला सोशल ग्रुप में फिर से तालियां। अब हजरात सभी शरीफ शायर आ चुके, अब बद्दा मस्जिद का दौर शुरू करते हैं। हजरात फिर शरीफों का क्या होगा, शुरू करता हुआ हजम के चंद अशार से आशिफ हजरात बगौर समाप्त करना। हमें वक्तों से पहले बुरा घर की ईंधन जमानत छीन लेती है। गुरु की मैं तारीफ करना चाहता हूं लेकिन वक्त नहीं है, हम लोग कल मिलजुल करके उनकी तारीफ करते हैं। अभी सीधे सीधे मैं सदर मुशायरा जनाब शहजाद मंजर साहब को आवाज दे रहा हूं कि वह आए अपने शरारती मुद्दा पेश करें, दो शेर पेश करें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें।
हुए चांद तारों में ढूंढा, खिजाओं में ढूंढा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम साहसी इस जमाने में देखा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम साहसी इस जमाने में देखा, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने दिल में पाया, जो पाया खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। मैं वक्त से पहले बुला जमाने छीन लेती है गुरु की, मैं तारीफ करना चाहता हूँ लेकिन वक्त नहीं है, हम लोग कल मिलजुल करके उनकी तारीफ करते हैं। अभी सीधे सीधे मैं सदर मुशायरा जनाब शहजाद मंजर साहब को आवाज दे रहा हूँ कि वह आए अपने शरारती खुतबा पेश करें, दो शेर पेश करें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। वो मेरे पास यकीनन बदल गया होगा, गुरु मोहब्बत में ढल गया होगा, वो मेरे पास यकीनन बदल गया होगा। तुम्हारे मन पर मेरा नाम बेसबर यानी, तुम्हारे मन पर मेरा नाम बेसबर यानी, खबर ये सुन के जमाना तो जल गया होगा, और गुजरात खबर ये सुन के जमाना तो जल गया होगा, हमारा जिक्र सरे नजर नहीं किया जाता, हमारा जिक्र सरे नजर क्यों किया तुमने, तो सरे से पहुंचा नहीं गया होगा। वाह गुजरात गुजरात पहली दफा तरूण से पानी की जसारत कर रहा होगा, आप इजाजत देते शायर अपने महबूब के बारे में कहता है, अजीब मेरे बचपन में दोस्त मुलाजा फरमाए,
एक और गजल उसके बाद इजाजत। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको शेर मिला है आप लोग सुनान करें। तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र लगा, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र लगा, मैं तेरे पीछे तहां रोज आने वाला और हजरत इस गजल का आखिरी शेर उसके बाद इजाजत। बेवफा के सामने जाया नहीं करते, किसी आंसू को अंगारे पर टपकाया नहीं करते, दुखी सा किसी बेवफा के सामने जाया नहीं करते, किसी आंसू को अंगारे पर टपकाया नहीं करते, किसी ने दे दिया, किसी ने दे दिया है दिल उसे शोकेस में रख ले, किसी ने दे दिया है दिल उसे शोकेस में रख ले, ये वो अवार्ड है पगले जो लौटाया नहीं करते। माइक पर अब्दुल कलाम दानी क्योंकि कभी तुम हंसते हो, कभी तुम्हारी बीवी हंसती है, इस हंसी खुशी का राज क्या है? तो बोले कि देखिए राज की बात है, लेकिन अब बता दे रहा हूँ कि मेरी बीवी से हमेशा बनता नहीं है, झगड़ा होता रहता है, तो जब वो किसी बात पे गुस्सा होती है तो उसके हाथ में जो चीज भी रहता है वो चला के मुझको मारती है, और लग जाता है तो वो हंसती है, और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। और अपनी बीवी के साथ ये जो है खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद जो है वो अली भाई जो उठे और अपना खाया बर्तन जो है साफ करने लगे, क्योंकि बीवी ने कहा कि लगा दिया ना इज्जत का बात, अरे हम लोग होटल में खा रहे हैं घर में नहीं। देखिए आजाद आज 15 अगस्त है, यौम आजादी है, और सुबह से जो है एक वतन परस्ती का कह लीजिए कि भूत सवार है, और होना भी चाहिए, वतन से मोहब्बत यकीनन ईमान का मजबूत है, लेकिन आजकल हम जिस माहौल में जी रहे हैं
तो बहुत सी कल हकायक है, बहुत सी सच्चाइयां हैं हमारे हिंदुस्तान की। हालांकि हमारा हिंदुस्तान सदियों से खूबसूरत रहा है, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा, लेकिन आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं उसका एक आईना मैं पेश करना जा रहा हूं नजम की सूरत में। बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा वतन बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा वतन तस्ब के बहते हैं, तस्ब के बहते हैं गंगो जमन। बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, और ये बन बनाया हनुमान वसाओं का कोई सिरा भी नहीं है, यहाँ कातिलों को सजा भी नहीं है। वसाओं का कोई सिरा भी नहीं है, यहाँ कातिलों को सजा यहाँ रोशनी। न दिल में खुशी है न लब पे हंसी, अंधेरों में बसोली यहाँ रोशनी। दिए हाथ में ता सए मुफलिसी, यहाँ लोग फिरते हैं नंगे बदन। बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा वतन। और ये बंद बुलाए समय भरा है जहर वक्त के नागुने, यहाँ गम ही गम है हर एक भाग में। भरा है जहर वक्त के नागुने, यहाँ गम ही गम है हर एक भाग में। दहकती रिवाजों की इस आग में, यहाँ जिस्म अपना मेरा वतन, मेरा वतन। और ये संगीत देख ले, हर एक दिल में है ऐश की आरज़ू, यहाँ तोड़ियों में बिके आबरू। हर एक दिल में है ऐश की आरज़ू, यहाँ तोड़ियों में बिके आबरू। बड़ी शान से हो बाप के रूबरू, वो बेटी का सौदा, वो बेटी का सौदा सरे अंजुमन। बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा वतन। लहू की यहाँ पे न कीमत मिले, मोहब्बत जो मांगो तो नफरत मिले। लहू की यहाँ पे न कीमत मिले, मोहब्बत जो मांगो तो नफरत मिले। यहाँ कातिलों को वजारत मिले।
वजारत मिले मिले बहुत और यहाँ भी बन राजा हमारे नई मान का कोई धर्म आजकल के जो लीडर है हिंदुस्तान के जो नेता है उन पर है नई मान का न कोई धर्म कर्म में भी दिन के छुपे हैं सितम नई मान का न कोई धर्म कर्म में भी दिन के छुपे हैं सितम पड़े वक्त तो ये खुदा की कसम पड़े वक्त तो ये खुदा की कसम वतन बेच डाले वतन बेच डाले पास बाने वतन बहुत खूबसूरत है मेरा वतन मेरा वतन तासुब के बहते हैं तासुब के बहते हैं गंगो जमन बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। और अगर बर्दाश्त करना चाहें तो ये गजल भी देखिए ये आज के हिंदुस्तान की सच्चाई। अब आइए आज जिस माहौल में आप गजल सुन रहे थे उर्दू अदब की एक खास सिनफ और इस शायरी का यकीन जानिए कि बहुत रोल रहा है। 15 अगस्त आज की आज़ादी हम जो मना रहे हैं इसमें आप जानिए कि उर्दू जबान का और शायरों का और ख़ास करके इस जुबान ने जो नारा दिया है इनकलाब जिंदाबाद तो इसमें वतन की आज़ादी में उर्दू का मुसलमानों के साथ साथ उर्दू का भी बहुत अहम रोल रहा है। और उसी उर्दू की याद में यौम आज़ादी मनाते हुए हम उर्दू के फ़रोग की खातिर अपनी तहजीब और सकाफत की पहचान बताते हुए उससे मोहब्बत का इजहार करते हुए हम लोगों ने हम दोस्तों साथियों ने आज की महफिल सजाई है। तो इसी माहौल में एक मतलब फिर से जो है गजल के खालिस अशआर तीन चार शेर मुलाजा फरमा लें। कभी शाखे गुल में कहूं तुझे कभी गुलस्तां की मिसाल दूं कभी शाखे गुल कहूं मैं तुझे कभी शाखे गुल मैं कहूं तुझे कभी गुलस्तां की मिसाल दूं कभी शाखे गुल मैं कहूं तुझे कभी गुलस्तां की मिसाल दूं तू सरापा जाने गजल लगे तुझे उस गजल का ख्याल दूं तू सरापा जाने गजल लगे तुझे इस गजल जिनके पास स्टॉक्स बहुत है बेहतरीन आवाज के मालिक वो तहद और तरन्नुम दोनों में पढ़ते हैं लेकिन अभी जो माहौल है मैं चाहूंगा कि फहीम मंजर साहब आप तहद में पढ़े और अपने पास जो उम्दा उम्दा कलाम आप रखे हैं वो सब आज सुना दें। फहीम मंजर साहब को मैं आवाज दूंगा उनको आवाज इस शेर से दूंगा कि उसकी आंखों में मोहब्बत मोहब्बत की चमक आज भी है उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है
उसको हालांकि मेरे प्यार पर शक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पर शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। माइक पर सही मिल जाता मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसलिए ऐसा नहीं करती ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती, मैं इसका नाज उठाता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं करती ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। और शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो कभी बिजली कभी पैदा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आपसे उम्मीद थी आपने उसी तरह से रिस्पॉन्स दिया, लिहाजा मैं आपको एक बात कह दूं कि शायर की मौत वही हो जाती है जब अच्छे शेर को सदाद नहीं मिलता। लिहाजा एक बार और कह दूं, जरा हाथ उठाकर तो कहिए, आपकी तालियां हमारे लिए वैसी ही जैसे अमर सिंह के लिए जय पर्दा, आपकी तालियां, आपकी बात, आपकी सराहतें हमारे लिए वैसी ही है जैसे अमर सिंह के लिए जय पर्दा, वसीम अकरम के लिए स्विंग करती हुई बॉल, सानिया मिर्जा के लिए टेनिस का रैकेट। अगर ये ठीक से बजी तो मैं भी कुछ ठीक कर सुना पाऊंगा। आजादी के हवाले से ही मैं एक और कथा पेश करता हूं कि मेरे सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरे सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये वतन से मोहब्बत दरअसल ईमान का जुज है, अगर आपको वो ईमान जरा बराबरी बाकी है तब इस पर खामोश नहीं रहेंगे। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरे सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहो कहता मेरा ईमान है, मेरे होठों पर तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। आइए यहां से जरा सा फ्लेवर को चेंज करता हूं, ये था जश्न आजादी के ताल्लुक से, और कुछ बातें मैं सबसे पहले कुछ लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप भी इधर उधर मुंतशी हैं, जरा सही से आ जाएं। अल्लाह ने अगर खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा, लिहाजा आप जरा सा ठीक से आ जाएं तो मजा आएगा। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो इश्क करने का हौसला रखते हैं, उनके ताल्लुक से मैं कुछ कह दूं। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सर बाजार कर देती। जो मैं पीछे पड़ा होता पलट कर वार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सर बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, पढ़ा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, अगर इजहार कर देता तो वह इनकार कर देती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए एक कतार पेश करता हूं और आपको एक रंग में डालने की कोशिश करता हूं। पता यह है कि दरअसल हम इसके लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको जोड़ने की। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये जरूरी नहीं आदमी के लिए, ये जरूरी नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार से कुछ नहीं जिंदगी के लिए। आइए एक लफ्ज है पैर है जिसका मतलब होता है कपड़ा, मैं एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
कि कभी कभी तो मेरे पैर हम से आती है, कभी कभी तो मेरे पैर हम से आती है, वही खुशबू जो तेरे बदन से आती है। कभी कभी तो मेरे पैर हम से आती है, वही खुशबू जो तेरे बदन से आती है। कि मेरे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा, कि मेरे दिल से तो अच्छा है आईना तेरा, कि टूटता है तो आवाज छन से आती है, टूटता है तो आवाज छन से आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज चूंकि 15 अगस्त का दिन है और एक खुशनुमा वाक्य में मुझे याद आ रहा है, जी चाहता है कि सुना दो, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाऊं। इनायत, असल में मामला यह है कि मेरे मामू कैसर भाई और हम सफर कर रहे थे, जा रहे थे रानीगंज को, तो रास्ते में चूंकि हमने रिजर्वेशन कराया था, सॉरी आसनसोल रिजर्वेशन कराया था, तो ऊपर की बर्थ पर हम दोनों बैठे हुए थे, नीचे 4 खूबसूरत लड़कियां थी, चारों आपस में बात ये कर रही थी। एक ने कहा कि मैं तो 1 करोड़पति इंसान से शादी करूंगी। उसकी 3 सहेलियों ने उसको पलट कर जवाब दिया कि अगर करोड़पति ना मिला तो, कहा कि कुछ नहीं 50-50 के 2 से कर लूंगी। फिर उन्होंने कहा अगर ना मिला 50 का तो, कहा 25-25 के 4 से कर लूंगी। इतना भी मेरे मामू से बर्दाश्त नहीं हुआ, नीचे उतरे और कहा बहन जी जब रेट 1000 का आ जाए तो मुझे कहिएगा। रेट ठीक ही लगाए हो जा रुपया। आइए मैं एक नजम, एक ऐसी नजम जो यहाँ दिल से जुड़ी हुई है, पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये नजम उन लोगों के लिए है, उन बीवियों के लिए है जिनकी जिनकी शादियां नई नई हुई रहती हैं और उनके हस्बैंड उन्हें छोड़कर बाहर कमाई के लिए चले जाते हैं, घर की मजबूरी की वजह से बाहर चले जाते हैं, तो जब जाने के बाद उनके दिलों पर क्या बीतता है, मैं इस नजम में उनके दिल के हालात और एहसास को पिरोने की कोशिश करता हूँ। मैं पढ़कर बताता हूँ, आप सुनकर बताए, आप मेरा साथ दीजिएगा। पढ़ता हूँ यहाँ से कि तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ, वाह भाई वाह वाह, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। और किसी ने टूट के सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने टूट के सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है, किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है, हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। ऐसा लग रहा मेरे शेर कमजोर है या मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, पीछे के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी ताकत है। देखिए किसी भी तराजू का दो पहलू दो पल्ला होता है, और जो पल्ला ज्यादा वजनी होता है वो झुका होता है, लिहाजा आप उस पल्ले झुके हुए पल्ले के मानिंद है, या ये कह लीजिए कि हम आप जमींदार हैं और हम चौकीदार हैं, तो हमारी चौकी कभी नहीं छीन सकती है, जमीन कभी नहीं छीन सकती, तो आप जमींदार होने का सबूत है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ, मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। बहुत अच्छे। किसी ने टूट के सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपने आंखों का छलकता जाम भेजा है, किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपने आंखों का छलकता जाम भेजा है, हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। वाह बहुत अच्छा वाह। और किसी के हाथ का कंगन खटकना भूल बैठा है, कोई श्रृंगार करके भी महकना भूल बैठा है, कोई श्रृंगार करके भी महकना भूल बैठा है, अब हजब से छोड़ कर तन्हा किसी को चले गए हो तुम, अब उसके सर का आंचल भी सरकना भूल बैठा है।
और जिसके लिए मैंने पूरा ये नज़म कही वो बंद आ रहा है। इस पर मैं कहता हूँ कि अपनी तालियां रोक कर दिखाइए, ये नहीं कहता तालियां बजाइए, अपनी तालियां रोक कर दिखाइए। चले जाओ किसी के ज़ुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की सनबनी बाहों की बेचैनी, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डाइस की भी शुक्र चाहता हूँ कि चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। और किसी की शोक और चंचल हवाओं ने, किसी की शोक और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारी गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, हमेशा ढूंढती है तुमको बूढ़े बाप की आंखें, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसी भी तरह 12 बजे के करीब बंद कर दिया जाए, इंतजामिया की अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह के माहौल में मुशायरे के खात्मे तक पहुंचा, उस दिन सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली, और हम लोग तकरीबन 30 मिनट निकल चुके हैं। आज तारीख भी बदल गए, आज़ादी के जितने भी जश्न थे हमने गुजार लिया भरपूर तौर पर। शेर व शायरी, शुरू में मैंने जैसे कहा था कि शेर व शायरी के माध्यम से हमने तकरीबन 2 घंटे जिस मिजाज से गुजारा, इसमें आप सबका भरपूर ताउन रहा है। मुशायरे के मामले में सबसे बड़ी सजा जो होती है वो ये होती है सदर मुशायरा की जिम्मेदारी लेना, और वो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, और भरपूर तौर पर जो है हाईजेक करने के बाद जो है ये मत शायरों ने ये अपने आप को चोर और डाकू से मुशावा करते हुए आज जो मुशायरे में आपका दिल जीता है, इन तमाम मत शायरों ये अगर अपने आप को चोर समझते हैं तो ऐसे चोर डाकुओं से आज मुझे बेहद मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है, और आजादी का भरपूर फायदा मिला है कि हमने तेलनी पाड़ा में किसी न किसी बहाने उर्दू की थोड़ी बहुत खिदमत करने में आज हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे और अब तक कामयाब रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि आप तक उर्दू का पैगाम पहुंचाया जाए शेर व शायरी के जरिए, लेकिन आज की इस मुशायरे की डिस्कवरी ये है कि एक रहमत नाम का नौजवान है जो फेसबुक चलाता है, उसके मार्फत मुझे एक जानकारी मिली कि एक नौजवान तेलनी पाड़ा से ताल्लुक रखता है, वो भी मुशायरा पढ़ना चाहता है। तो कल उस नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसे कबल कभी देखा भी न था, उसने कहा कि मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने दो टोक कहा कि तुम आना पढ़ना। आज भी उसी अंदाज से वो जिस दिलचस्पी के साथ मुझसे रابطہ किया करता था, और अब तक वो मुशायरे में मुशायरा पढ़ा, मुशायरा लूटा और मुशायरे को कामयाब बनाकर जो नौजवान बैठ गया, ये मुझे आज खुशी मिली है कि अगर हम एक कदम बढ़ाए तो मेरी तरफ अगर कोई एक कदम न बढ़ाए तो क्या, लेकिन कम से कम एक हाथ तो बढ़ा दे। तो इस नौजवान के लिए मैं भरपूर तौर पर आपसे हाथ ताली चाहूंगा कि आज के मुशायरे के लिए नौजवान देन है, और इंशाअल्लाह ताला जब भी मुशायरा होगा इस नौजवान से हम लोग भरपूर सुनेंगे, और उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह से आप सामाईन का, सुनने वालों का, देखने वालों का आप दिल जीते, हम लोग भी उर्दू की खिदमत करते हैं, आप भी आइए, हम सब मिलकर उर्दू की खिदमत में थोड़ा बहुत काम कर ले, थोड़ी बहुत हिस्सादारी कर ले ले, यही हमारी जो है सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मुशायरे के सदारत की जिम्मेदारी निभाने के कारण मुझे जो है थोड़ी बहुत जो है खतबाती कलमात रखने पड़ते हैं। नर्गिसो लाला सनम राग की रानी तू है,
नरगिसो लाला सनम रात की रानी तू है, मेरी तकदीर ने बख्शी जो निशानी तू है। सामने तेरे है जन्नत की बहारें बेगैब, सामने तेरे है जन्नत की बहारें बेगैब, रूहे कश्मीर है मुमताज की सानी तू है। आधी जा आके छुपा लू मैं अपनी बाहों में, आधी जा आके बसा लू मैं अपनी सांसों में, आधी जा आके छुपा लू मैं अपनी बाहों में, आधी जा आके बसा लू मैं अपनी सांसों में। पर तेरे हाथ की चूड़ी का ख्याल आता है, पर तेरे हाथ की चूड़ी का ख्याल आता है। हाथ ससुराल में टूटे न तेरी चूड़ी कहीं, तलख हो जाए न ये जिंदगी फिर माही जबी। मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ कि तेरी चांद सी सूरत पे, मगर मेरे घर वालों की नजर ही फकत दौलत। मैं तो खुश हूँ कि तेरी चांद सी सूरत पे, मगर मेरे घर वालों की नजरें हैं फकत दौलत पर। जो तेरे पास नहीं उसको तो क्या लाएगी, जो तेरे पास नहीं उसको तू क्या लाएगी। तेरे अब्बू मुझे उपहार नहीं दे सकते, कार बंगला या वीसीआर नहीं दे सकते। तू तो आएगी पकड़ डाल के सर पे बिदिया, लूट लेंगे ये दरिंदे तेरे शब्द की मिदिया। और फिर एक दिन ऐसा न कहीं हो जाए, ऐ मेरी जाने वफा तू न कहीं खो जाए। मरमरी जिस्म न कांटों पे सुला दी जाए, और तेल मिट्टी का छिड़क कर तुम्हारे जिस्मों पर, खाक में धूल में मिट्टी में मिला दी जाए। जैसे एक रोज चलाई गई भाभी मेरी, जैसे एक रोज चलाई गई भाभी मेरी, और भैया की जबीर पर न शिकन तक उभरी। इससे पहले कि हकीकत नहीं बन जाए कहीं, ऐ मेरे ख्वाब तो सबूत की हंसी शहजादी। जा कहीं ढूंढ ले, जा कहीं ढूंढ ले इंसानों की बस्ती कोई, मुझको रहने दे दरिंदों के नगर में तन्हा। दिल तड़पता रहे टीसू के जिगर में तन्हा, जाकर भी याद में दो चार घड़ी जी लूंगा। जामे जम जाम के मैं खून जिगर पी लूंगा। अब कभी भूल के, अब कभी भूल के शहर में रखना न कदम। जब जल खत्म न हो जाए सनम रस में जहेज, जब जल खत्म न हो जाए सनम रस में जहेज। जा जा वहीं सैकड़ों मंजर सा नजर आएंगे, जा वहीं सैकड़ों मंजर सा नजर आएंगे, जिनके माँ बाप भी तुझको बहू बना लेंगे। तेरा खाविंद भी तुझको गले लगा लेगा, जिसके होठों पे फकत मेरी ही गजल होगी। नरगिसो लाला सनम रात की रानी तू है, रूहे कश्मीर है मुमताज की सानी तू है, रूहे कश्मीर है मुमताज की सानी तू है।